बैगन खाना जिसे नहीं पसंद वो भी मांग कर खाएंगे जब एक सीक्रेट चीज डाल करके बनाएंगे नई और अनोखी सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। गैस चलाकर पैन गरम करेंगे, इसमें डाल देंगे 15 से 20 दाना कच्ची मूंगफली, साथ में हम डाल देंगे 3 से 4 टुकड़ा सूखा हुआ नारियल। आप कच्चा नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे 1 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं, उतना मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसे भी साथ में भून लेंगे। 10 से 15 कली लहसुन डालेंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो बिना लहसुन का भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। नारियल के ऊपर हल्की सी चित्ती पड़ गई है और मूंगफली भी अच्छी तरह से चटक गया यानी कि भून गया है, गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए किनारे रख देंगे। और यहाँ पर हमने कुछ छोटा वाला बैगन लिया हुआ है जिसको हमने साफ पानी से पहले से ही धो लिया था। अब हम बैगन के पीछे जो मोटा वाला डंठल होता है इस तरीके से छील कर हटा देंगे, क्योंकि सब्जी वगैरह में ये पकता नहीं है, ऐसे ही कड़क रह जाता है। और बैगन के बीचों बीच इस तरीके से हम चीरा लगाएंगे, क्रॉस का चीरा लगाते हुए 4 टुकड़ा कर लेंगे, नीचे से जुड़ा रहने देंगे, कीड़े वगैरह चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कीड़े वगैरह भी छोटे छोटे होते हैं तो आसानी से आप बैगन को हटा सकते हैं। इसी तरीके से हमने पूरे बैगन को काट लिया और इसे एक बोल में डाल देंगे। स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डालेंगे, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि बैगन को जब हम काट करके रख देते हैं तो बैगन काले पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा नमक हल्दी लगा कर रखते हैं तो बैगन काले नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से झटकते हुए मसालों को मिला देंगे, 5 मिनट के लिए किनारे रख देंगे। और यहाँ पर हमने भुने हुए मूँगफली, नारियल और मिर्च को मिक्सी के जार में डाल दिया। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसे बिना पानी का ही सूखा सा पीस लेंगे। बारीक पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। 5 मिनट रखे हुए हो गया था बैगन को। अब हम क्या करेंगे, ये मूंगफली वाला जो हमने मिश्रण बनाया है बैगन के बीचों बीच भर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा ही भरेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो ये मसाले निकल करके तेल में चले जाएंगे और तेल में मसाले जल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला हमें बीच में बैगन के भरना है। बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबको काफ़ी पसंद आता है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा, यकीन मानिए बैगन नहीं खाने वाले भी मांग कर खाने लगेंगे। तो इस तरीके से पूरे बैगन में हमने मसालों को भर लिया। बचे हुए मसाला का हम प्रयोग बाद में करेंगे, इसे किनारे रख देंगे। अब हम गैस चलाकर कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल। आप इस रेसिपी को सरसों तेल में बनाइएगा। आंच धीमी कर देंगे और हम पूरे बैगन को डाल देंगे। तेज आँच पर, तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बैगन को इस तरीके से डालेंगे तो तेल छटक करके हाथ में भी लग सकता है और बैगन जल जाएगा। अब बैगन को डालने के बाद 2 मिनट तक इसी तरीके से हम छोड़ देंगे और इसके बाद ढक्कन लगाकर इसे हम 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट हो गया, ढक्कन हटा देते हैं और बैगन को पलट देंगे। हल्के हाथ से बैगन को पलटेंगे। बैगन को हमें सेकना है, बहुत ज़्यादा तेल में बैगन को डीप फ्राई नहीं करना है। तो इस तरीके से सारे बैगन को हम पलट देंगे, हल्के हाथ से पलटेंगे। अगर इसे हम तेजी से या फिर दबाव डालकर पलटेंगे तो मसाले बाहर निकल जाएंगे। और इसी तरीके से हम 2-2 मिनट पर इसे पलटते पलटते हुए सेक लेंगे। बैगन आधा से अधिक पक चुका है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। पूरा बैगन हमें नहीं पकाना है, आधा से अधिक बैगन को पकाना है। आप चाहे तो इस स्टेज पर थोड़ा सा इसमें तेल और भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर को पीसकर हमने पहले ही रखा था, 1 टमाटर का पेस्ट डाल करके धीमी आंच पर मसालों को भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज का तड़का भी स्टेज पर लगा सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे। अब इसमें हम बोल में जो मसाला बचा हुआ था वो भी डाल देंगे और इसे भी साथ में भून लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही में 1/2 कप पानी मिलाकर यानी कि छाछ बनाकर 1 कप। आप चाहे तो केवल दही भी डाल सकते हैं। और मसालों को इस तरीके से पहले हम अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर तक, यानी कि मिला लेंगे। उसके बाद गैस को ऑन कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मसाले गर्म रहते हैं, हम दही डालते हैं या फिर छाछ डालते हैं तो मसाले अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, यानी कि दही फट जाती है। लेकिन इस तरीके से आप दही को डालेंगे मसाले में तो दही नहीं फटेगी।
अब इसमें बैगन को डाल देते हैं। इस स्टेज पर आप चाहे ना तो ग्रेवी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा सूखा बनाना, तो ग्रेवी की मात्रा हम कम रखेंगे। अब इसमें दो हरी मिर्च में बीच में चीरा लगाकर इसमें डाल देते हैं और ग्रेवी में बैगन को अच्छी तरह से इस तरीके से मिलाकर छोड़ देंगे। 5 मिनट तक इसमें पकाना है, बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे ताकि बैगन अच्छी तरह से पक जाए। अब ये जो मूंगफली का पेस्ट हमने किनारे रखा हुआ था इसे डाल देते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि तेल में इस मूंगफली के पेस्ट को हमें नहीं भूनना है, क्योंकि मूंगफली और नारियल को हमने पहले ही भून लिया था। अगर आप इसे तेल में भूनते हैं तो थोड़ा सा इसमें जला जला का टेस्ट आ सकता है, क्योंकि पहले से ही इसको हमने भून करके रख लिया था। मसालों को हल्के हाथ से बीच में मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस तरीके से हल्के हाथ से चलाना है। अब हम बैगन को चेक कर लेते हैं। बैगन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बैगन हमारा आधा से अधिक पका हुआ है, पर थोड़ा सा ही इसे हमें पकाना है। तो इस तरीके से बैगन को आप चेक कर लीजिएगा, बैगन पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, जिससे कि इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। तो पहले आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। और इस तरीके से ये देखिए ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं, और बैगन भी हमारा पक चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये पाव भाजी मसाला डाल देंगे। आप चाहे तो किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, फिर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप चावल के साथ खाएं तो इसमें ग्रेवी की मात्रा आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन रोटी से खाना है इसलिए मैंने इसको गाढ़ा रखा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जैसे जैसे इसकी ग्रेवी ठंडी होती जाएगी ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। कम समय में काफ़ी चटपटी सी रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है, यकीन मानिए बच्चे हो या फिर बड़े हो सबको काफ़ी पसंद आता है ये बैगन की रेसिपी। पूड़ी पराठे हो या फिर दाल चावल हो या फिर रोटी हो, सभी बहुत मज़े से खाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बनाकर ले जा सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।